पाठ 9 विशेषण। इन चित्रों को देखिए और उनके नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखिए। ताजमहल सुंदर इमारत है। महात्मा गांधी महान व्यक्ति थे। हिमालय ऊंचा पर्वत है। मोटा आदमी सड़क पर जा रहा है। टमाटर लाल है। सेब मीठा है। पहले वाक्य में सुंदर शब्द इमारत की विशेषता बता रहा है। दूसरे वाक्य में महान शब्द व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। तीसरे वाक्य में ऊंचा शब्द पर्वत की विशेषता बता रहा है। चौथे वाक्य में मोटा शब्द आदमी की विशेषता बता रहा है। पांचवें वाक्य में लाल शब्द टमाटर की विशेषता बता रहा है। छठे वाक्य में मीठा शब्द सेब की विशेषता बता रहा है। परिभाषा। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। चित्रों के नीचे लिखे गए रंगीन शब्द सुंदर, महान, ऊंचा, मोटा, लाल, मीठा विशेषण हैं। परिभाषा। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। चित्रों के नीचे दिए गए शब्द इमारत, व्यक्ति, पर्वत, आदमी, टमाटर और सेब विशेष्य हैं। विशेषण सर्वनाम की भी विशेषता बताता है। नीचे दिए गए उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए। वाक्य विशेषण विशेष्य। वह बीमार है। बीमार। वह। वे चतुर निकले। चतुर। वे। आप उदार हैं। उदार। आप। तुम कायर हो। कायर। तुम। मैं आज स्वस्थ नहीं हूँ। स्वस्थ। मैं। व्यक्तियों, वस्तुओं और पदार्थों की विशेषताएं अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे उनमें गुण होते हैं, अच्छा, सुंदर, वीर, बुद्धिमान, कोमल। उनमें दोष होते हैं, बुरा, कुरूप, कायर, मूर्ख, कमजोर। उनका रूप या आकार होता है, बड़ा, छोटा, ऊंचा, विशाल। उनका रंग होता है, लाल, पीला, सफेद, काला। उनकी अवस्था या दशा होती है, अमीर, गरीब, रोगी, ठंडा, सूखा। उनकी संख्या होती है, 2, 3, हजारों, लाखों, अनेक, कुछ। उनकी माप होती है, 2 गज, कुछ मीटर, 3 मील। उनका वजन होता है, 2 किलोग्राम, 5 लीटर। विशेषण के भेद। उपर्युक्त लिखी विशेषताओं के आधार पर विशेषण के निम्नलिखित 5 भेद किए गए हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार या विशेषताओं को बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। पेड़ ऊंचा है। गुलाब लाल है। लड़की सुंदर है। इन वाक्यों में ऊंचा, लाल और सुंदर गुणवाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लड़के मैदान में खेल रहे हैं। वह इस मकान की दूसरी मंजिल पर रहता है। इन वाक्यों में 3 और दूसरी शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी वस्तु का परिमाण या मात्रा या नापतोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। दिल्ली यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है। इस डब्बे में 2 किलोग्राम घी है। मुझे थोड़ा आराम करने दो। इन वाक्यों में 5 मीटर, 180 किलोमीटर, 2 किलोग्राम और थोड़ा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। संकेतवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा से पहले आए या संज्ञा की ओर संकेत या इशारा करे उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह फूल सुंदर है। वह लड़का मेरा भाई है। मैं इस मकान में रहता हूँ। उस लड़की को बुलाओ।
इन वाक्यों में यह, वह, इस और उस शब्द क्रमश फूल, लड़के, मकान और लड़की की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, ये नागपुरी संतरे मीठे हैं। क्या आपकी साड़ी बनारसी है? गरबा गुजराती नृत्य है। अंग्रेजी शासन में अत्याचार होता था। इन वाक्यों में नागपुरी, बनारसी, गुजराती और अंग्रेजी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाओं या नागपुर, बनारस, गुजरात और अंग्रेज से बने हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक